हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लेकर आए हैं सामान्य विज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्न उत्तर। जी हां, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करेंगे रसायन विज्ञान से जुड़े कुछ प्रश्नों के विषय में। तो चलिए आइए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की। जैसा क्वेश्चन नंबर है 121, फ्लैश बल्बों में किसके वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा जाता है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चन नंबर 122 है, बढ़ते हुए पौधों को किस तत्व की सबसे अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन। तो ये आगे आता है, आकाश में बिजली चमकने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर होगा NO। वहीं आगे आता है क्वेश्चन नंबर 124, प्रकाश रसायनी धूम कोहरे बनाने के समय निम्न में से कौन सा एक गैस का उत्पन्न होता है? तो इसका उत्तर होगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो वहीं आगे आता है, हेबर विधि द्वारा औद्योगिक पैमाने में किसका उत्पन्न किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा अमोनिया। तो वहीं आगे आता है क्वेश्चन नंबर 126, हेबर विधि द्वारा अमोनिया के उत्पादन में किस उत्प्रेरक यानी क्रिस्टलेट का उपयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा लोहा। तो ये आगे आता है, गोताखोर सांस लेने के लिए किन गैसों के मिश्रण का प्रयोग करते हैं? तो इसका उत्तर होगा ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों का उपयोग करते हैं। तो ये आगे आता है क्वेश्चन नंबर 128, सुपरसोनिक वायुयान सप्ताप मंडल में किस पदार्थ वर्जित करते हैं? तो इसका उत्तर होगा NOx। तो ये आगे आता है क्वेश्चन नंबर 129, वायुमंडल में कौन सी गैस पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर लेती है? तो इसका उत्तर होगा ओजोन। तो ये आगे आता है क्वेश्चन नंबर 130, पृथ्वी की सतह से ऊपर ओजोन परत किससे बचाव प्रदान करती है? तो इसका उत्तर होगा पराबैंगनी किरणों से। जैसा कि आगे आता है क्वेश्चन नंबर 131, गंधक के कितने परमाणु आपस में जुड़कर गंधक की विलय जैसी रचना बनाते हैं? तो इसका उत्तर होगा 8। तो ये क्वेश्चन नंबर 132 है, वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो इसका उत्तर होगा SO2। तो ये आगे आता है क्वेश्चन नंबर 133, शर्करा और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से कौन सा शुद्ध रूप पे प्राप्त होता है? तो इसका उत्तर होगा कार्बन। तो ये नेक्स्ट है, कौन सा हेलोजिन तत्व जिनोन के साथ मिलकर अधिकतम यौगिक बनाता है? तो इसका उत्तर होगा फ्लोरीन। तो ये आ गया था क्वेश्चन नंबर 135, किस हेलोजिन सदस्य का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में होता है? तो इसका उत्तर होगा क्लोरीन। तो ये आ गया था क्वेश्चन नंबर 136, वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका उत्तर होगा हीलियम। तो ये आ गया था क्वेश्चन नंबर 137, हीलियम को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसों की बाह्य कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो इसका उत्तर होगा 18। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 138, एक विद्युत बल्ब के जीवन को बढ़ाने के लिए सामान्यतः उसे किससे भरा जाता है? तो इसका उत्तर होगा आक्रमण। जैसा कि दोस्तों अभी के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन आगे आने वाली ऐसी अपडेट्स के लिए यूं ही बने रहिए हमारे साथ और करिए इंतजार हमारी अगली अपडेट का। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।